है, तो हम लोग जब इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की बात करते हैं तो पहली बात, पहला वर्ड क्या है? रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? हर वो चीज होती है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी किसी भी नीड और डिमांड को क्या करती है, फुलफिल करती है। फूड रिसोर्स मतलब क्या, जो हमारे न्यूट्रिशन वाली नीड्स को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। न्यूट्रिशन वाली नीड्स मतलब क्या होता है, मेरे खाने के लिए मुझे प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, ये सारी चीजें कौन फुलफिल करता है? फूड रिसोर्सेस। मुद्दा, इनको इम्प्रूव करने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमने बोला ओवर द इयर्स ऐसा देखा गया है क्या कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, कम तो नहीं हुई है, और ये जो पॉपुलेशन बढ़ी है इसके साथ जो लैंड अंडर कल्टिवेशन, जो लैंड अंडर कल्टिवेशन है वो भी क्या है, कम हुआ है, बड़ा नहीं। मतलब जो हम लोग पहले ज्यादा एग्रीकल्चर था, लैंड भी ज्यादा था, प्रोड्यूस भी ज्यादा करते, ओवर द इयर्स हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन वो जो लैंड है जिसके ऊपर कल्टिवेशन होता है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। और क्योंकि वो कम हो गया है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी कि इस लिमिटेड लैंड पे हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स कैसे उगाएंगे। तो जब हमें एक लिमिटेड लैंड पे ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स उगाने होंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस का कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बहुत सारी रिवोल्यूशन अंडरगो करी थी हमारे देश में, जिसके अंडर हम लोगों ने क्या करा था, लिमिटेड रिसोर्सेस से ज्यादा फूड सोर्सेस कैसे लेने हैं वो हम लोगों ने स्टडी किया था। जैसे क्या थी, ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन क्यों आई थी, टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फूड ग्रेन मतलब क्या होता है, वीट एंड राइस, ठीक है ना। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया कौन है, मिस्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है ना। ब्लू रिवोल्यूशन किस चीज के लिए हुई थी, फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हुई थी, क्योंकि वो भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है, है ना। व्हाइट रिवोल्यूशन किसके लिए हुई थी, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। येलो रिवोल्यूशन किसके लिए हुई थी, ऑयल प्रोडक्शन के लिए। और गोल्डन रिवोल्यूशन किसके लिए हुई थी, पल्सेस जो रहती है, सारी दाल रहती है उनके प्रोडक्शन के लिए जो रिवोल्यूशन होती है उसे हम लोगों ने क्या कहा था, गोल्डन रिवोल्यूशन। क्या इतना क्लियर है? जब हम लोग बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे क्रॉप्स को डिवाइड करते हैं तो पहले होते हैं सीरियल्स। सीरियल्स क्या देते हैं हमेशा हमको, कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी, ठीक है। तो सीरियल्स में कौन कौन आता है, व्हीट, मेज, राइस, बार्ले, राई, ओट्स और सोर्गम। पल्सेस कौन से होते हैं, जो रिच इन प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। और प्रोटीन क्या करते हैं, हमको ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रोटीन क्या करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो छोटी छोटी बातें हम लोग को क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब पल्सेस में क्या आती है, एक तो सारी की सारी दालें, ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन ग्राम, लेंटिल, सारे सारे सारे, ठीक है ना। ऑयल यील्डिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, जो हमें ऑयल देते हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फैट्स प्रोवाइड करते हैं। और फैट्स क्यों जरूरी होते हैं, ठंड में एज एन इंसुलेटर बिहेव करते हैं कि हमारी बॉडी की हीट बाहर जाने नहीं देते। तो ऑयल्डिंग प्लांट्स कौन कौन से हमारे, ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल, कैस्टर, कॉटन, सनफ्लावर, कोकोनट, मस्टर्ड, सीसम, लिंसिड और नाइजर, ठीक है ना। इसके अलावा कौन होते हैं बेटा, वेजिटेबल, स्पाइसेस और फ्रूट्स, ये हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, विटामिन, मिनरल्स और थोड़ा बहुत प्रोटीन और ये सब, ठीक है ना। तो ये भी काम के होते हैं। फाइबर यील्डिंग तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, तुम्हें नहीं पढ़ना है। बेवरेजेस ये भी तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, तुम्हें नहीं पढ़ना। फॉडर क्रॉप्स हमको याद रखने कौन से, बारसीम और सुडान ग्रास। फॉडर क्रॉप्स कौन से होते हैं, जो गाय भैंस खाती है, तो ओट्स, सुडान और बारसीम, ये तुमको क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे एज योर फॉडर क्रॉप्स, ठीक है। बोलो, कोई परेशानी, आजकल फॉडर नहीं करना। तो हमने कहा जो प्लांट्स होते हैं उनको दो तरह की न्यूट्रिएंट्स, दो सोर्सेस से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एक कहाँ से, सॉइल से, एक कहाँ से, सॉइल से, और दूसरा कहाँ से मिलते हैं, एयर और वाटर से। तो एयर और वाटर से तीन न्यूट्रिएंट्स तो मिल जाते हैं, कौन कौन से, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक मैक्रो, तो मैक्रो कौन से होते हैं, रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटीज, और माइक्रो, माइक्रो कौन से होते हैं, रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो मैक्रो में कौन से हैं बेटा, एनपीके, ठीक है ना, एनपीके सीएमजीएस, एनपीके सीएमजी, और माइक्रो में कौन से आते हैं,
पीकुजन, बोमोकल, फीकुजन, बोमोकल, ठीक है ना, ये कौन से होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे कहाँ से, तो हम लोगों ने बोला प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स किससे मिलेंगे, या तो मैन्योर्स के फॉर्म में मिलेंगे या तो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में मिलेंगे। मैन्योर्स क्या होता है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर क्या होता है, डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, क्या होता है, डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये केमिकल प्रिपरेशंस रहते हैं, यहाँ केमिकल प्रिपरेशंस रहते हैं जो क्या करते हैं, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल। ठीक है ना, अब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते, मतलब वो आपको सारे तरह की न्यूट्रिएंट्स दे देगा, ये जनरल डेफिशिएंसी कम करते हैं, मतलब थोड़ा नाइट्रोजन दे देगा, थोड़ा फॉस्फोरस दे देगा, थोड़ा क्या दे देगा, थोड़ा क्या दे देगा, लेकिन 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 जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक रहते हैं, मतलब अगर कोई नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर है तो वो नाइट्रोजन ही देगा, कोई सल्फर का फर्टिलाइजर है तो वो सल्फर ही देगा, मतलब वो जिस चीज का फर्टिलाइजर है वो वही चीज देगा। क्लियर है, ठीक है ना। ये सॉइल में ह्यूमस ऐड करते, ह्यूमस मतलब क्या, ऑर्गेनिक मैटर। क्यों जरूरी होता है सॉइल के लिए ऑर्गेनिक मैटर, तो हमने कहा अगर हमारे सॉइल को ऑर्गेनिक मैटर अच्छे से मिलेगा तो उसके अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर एयर स्पेसेस भी अच्छी रहेगी इन द फर्स्ट प्लेस, और सेकेंडली उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या रहेगी, बढ़ जाएगी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में, और ये कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, तो ना ही सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है और ना ही इसके न्यूट्री वो और एयर स्पेस। ठीक है ना, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको जब आप स्प्रे करते हो तो स्प्रेइंग के टाइम पे आपको क्या करने पड़ते हैं, प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जैसे कितने फर्टिलाइजर्स में आपको कितना पानी डालना है, उसके बाद आपको फेस कवर करना है, ठीक है ना, तो ये सारे प्रिकॉशंस कब लेने पड़ते हैं, व्हेन यू यूजिंग फर्टिलाइजर्स। ठीक है क्या, ठीक है। अब मैन्योर कितने टाइप का होता है, तीन तरह का मैन्योर होता है, एक होता है फार्म यार्ड मैन्योर, एक होता है कंपोस्ट मैन्योर, और एक होता है क्या, ग्रीन मैन्योर। ठीक है ना, अब सुनो, जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है उसमें क्या होता है, पुराने वेजिटेबल जो एनिमल रिफ्यूज होता है और जो वेजिटेबल होता है वो क्या करते हो, डाल देते हो, ठीक है ना। कंपोस्टिंग में क्या होता है, ये जितने भी सारे वेस्ट रहते हैं, ये जितने भी सारे क्या रहते हैं, वेस्ट रहते हैं, उसको आप एक क्या करते हो, एक गड्ढे में डालते हो, उस गड्ढे में क्या होता है, इस गड्ढे में एनएरोबिक बैक्टीरिया इसको डीकम्पोज करता है, एनएरोबिक बैक्टीरिया इनको क्या करता है, डीकम्पोज करता है, यहाँ एरोबिक बैक्टीरिया, तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया जब इसको क्या करता है, डीकम्पोज करता है, तो ये क्या बना लेते हैं, कंपोस्ट बना लेते हैं, जो एक तरह का क्या होता है, मैन्योर होता है, जो एक तरह का क्या होता है, मैन्योर। जब ये पूरी प्रोसेस में हम लोग अगर क्या यूज करें, अर्थवर्म्स यूज करें, इस पूरी प्रोसेस में अगर हम लोग क्या यूज करेंगे,
अगर हम लोग अर्थवर्म्स यूज करेंगे तो ये जो प्रोसेस होगी ये क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ये जो प्रोसेस है वो कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और तब इस प्रोसेस का नाम बन जाएगा वर्मी कंपोस्टिंग। क्या बन जाएगा? सो वर्मिंग कंपोस्टिंग क्या होता है, वो प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट ही होता है। वर्मिंग कंपोस्टिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्मिंग कंपोस्टिंग। कब? जब हम लोग उसको किसकी हेल्प से करते हैं, अर्थवर्म की हेल्प से करते हैं। जब हम लोग उसको किसकी हेल्प से करते हैं, अर्थवर्म की हेल्प से करते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना। ग्रीन मैन्योर में हम लोग क्या करते हैं बेटा, बहुत सारे बिना काम के प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे बिना काम के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि सनहैम, ढाइचा, गुड़, ठीक है ना, ग्वार, ठीक है ना। ये जो प्लांट्स रहते हैं इनको हम लोग हमारे सॉइल में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जब हमारा लैंड क्या रहता है, फैलो रहता है। फैलो मतलब हम लोगों ने इसके कुछ उगाया तो इस फैलो लैंड पे हम लोग इसे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और जब हम लोग ये पूरी तरीके से यहाँ एक रीजनेबल लेवल पे ग्रो हो जाते हैं तो दे आर मल्च्ड बैक इनटू द सॉइल। दे आर मल्च्ड बैक मतलब वापस इनको तोड़ फोड़ के क्या करते हैं हम लोग, वापस से सॉइल में डाल देते हैं। जब इनको सॉइल में वापस मल्च बैक करते हैं, मल्च करते हैं, तो सॉइल बिकम्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स। सॉइल बिकम्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स। आई क्या बात समझ में? मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या करा, दो तीन तरह के पौधे उगा लिए जो मेरे काम के हैं नहीं, जो मुझे वैसे भी कुछ रिटर्न नहीं देंगे, तो मैं अब क्या करूंगी, इसको ग्रो करूंगी। और जब मैं इसको क्या करूंगी, ग्रो करूंगी, तो क्या होगा, इवेंचुअली इसको वापस तोड़ फोड़ के चूरा वूरा करके वापस मेरे सॉइल के अंदर ही डाल दूंगी। जब मैं इसको वापस मेरे सॉइल के अंदर डाल दूंगी तो ये क्या करेगा, मेरे सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बना देगा। इज दैट क्लियर? कुछ कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, क्या होता है, कुछ कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मैन्योर्स के, जो सॉइल की फर्टिलिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जैसे कि एनेबेना, नोस्टॉक, राइजोबियम, ये सब नाइट्रोजन जो लेवल्स रहते हैं हमारे सॉइल के और प्लांट के, वो बढ़ाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ब्लू बीन एल की भी क्या करता है, एक तरीके का बायो फर्टिलाइजर होता है। यानी कि अगर आपका प्लांट उग रहा है तब उसमें क्या करो, ब्लू बीन एल्गे डाल दोगे तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाए। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ एक क्वेश्चन मिसिंग है, क्या कि हमें प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देना क्यों चाहिए, यानी कि व्हाई इज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट नेसेसरी। यहाँ पर ऐसे बोले, व्हाई न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, व्हाई न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कि न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करने की जरूरत क्या पड़ जाती है। तो हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स depletes soil of its nutrients, depletes soil of its nutrients. Hence, in order to ensure proper growth of new plants, new crops, nutrient management is necessary. है ना, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि why do we need to add manures and fertilizers, तो भी क्या करना है, सेम आंसर ही लिखना है। इज दैट क्लियर? इरिगेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, हम लोग बोलते हैं जो प्रोसेस होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, हमारे क्रॉप्स को क्या करते हैं, पानी प्रोवाइड करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई इरिगेशन, क्या जरूरत है इरिगेट करने की, ठीक है ना। तो हम लोग को एक नहीं तीन तीन पॉइंट मिल गए कि इरिगेशन से एक तो दो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट को, कौन से, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है ना। जो मॉइस्चर अवेलेबल होता है जब हम लोग पानी देते हैं तो उससे सीड्स क्या होते हैं, इजिली जर्मिनेट हो जाते हैं। और इरिगेशन की हेल्प से न्यूट्रिएंट्स भी क्या होता है, प्लांट्स को मिलते जाते हैं। आ रही बात समझ में? हमें इरिगेशन फैसिलिटी की क्यों जरूरत है इंडिया में,
हम लोग कहते हैं जो इंडिया है, यहाँ पर जो रेनफॉल होती है, उसकी दो परेशानी है। एक वो अनइवन है, अनइवन समय जो कभी आती है तो इतनी आ जाती है कि बाढ़ आ जाती है, और जब नहीं आती है तो सूखा ही पड़ जाता है, और दूसरा अनसर्टेन है, कभी भी आ जाएगी और कभी भी चली जाएगी, कोई आने जाने की इसके टाइम है। आ रही है बात समझ में? तो क्योंकि अनइवन रेनफॉल है, अनसर्टेन रेनफॉल है, तो हम लोग रिलाय नहीं कर सकते किस पे, रेनफॉल पे। हम लोग क्या नहीं कर सकते? रिलाय नहीं कर सकते, इन सेंस इट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, इट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, आप इसे भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप इस पे रिलाय करोगे तो इवेंचुअली क्या होगा, अगर एक साल बारिश नहीं हुई या रिक्वायर्ड से ज्यादा हो गई तो आपका क्रॉप पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और उस साल आपकी कुछ भी इनकम नहीं होगी। इससे बेटर क्या है, अभी से फैसिलिटीज देख के रखो, ताकि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आपको इरिगेशन, आपको वाटर अवेलेबल हो जाए फॉर प्लांट्स। हमें कैसे पता चलेगा कि एक गिवन इरिगेशन सिस्टम कैसा है, अच्छा है? तो हमने कहा अगर एक इरिगेशन सिस्टम अच्छा है तो उसमें पानी का वेस्टेज क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। दूसरा, वो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए और इकोनॉमिकली जस्टिफाइबल होना चाहिए, यानी कि उसमें इतना जितना पैसा हम लोग इरिगेशन में लगा रहे हैं उतने के रिटर्न्स भी मिलने चाहिए, ठीक है ना। अब इरिगेशन में सबसे पहला तरीका कौन सा होता है बेटा, वेल्स। क्या होते हैं वेल्स? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्यूबवेल एंड डगवेल्स। तो डगवेल्स क्या होते हैं, वो हमारे गांव के कुएं होते हैं जिनमें से हम लोग खींच कर पानी निकालते हैं। ट्यूबवेल मतलब क्या होता है, वो बोरिंग या हैंडपंप टाइप की चीजें होती है जिससे क्या होता है डीपर स्ट्राटा से पानी आता है। तो ट्यूबवेल में क्या होगा, वॉटर कम्स फ्रॉम डीपर स्ट्राटा, यानी कि काफी नीचे खोद कर हम लोग पानी लेकर आते हैं। और डगवेल में क्या होता है, लेस डीप स्ट्राटा होता है, यानी कि बहुत ज्यादा हम लोग पानी इसमें नीचे से नहीं ला सकते। इज इट क्लियर? आगे जाएं, हेलो, कैनाल सिस्टम क्या होता है बेटा? कैनाल सिस्टम में एक बड़ी रिवर को, कैनाल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ी रिवर को छोटी छोटी सब रिवर्स में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। छोटी छोटी सब रिवर्स में क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे एक रिवर जा रही है, तो इस रिवर को मैंने क्या करा, एक पार्ट यहाँ भेज दिया, एक पार्ट कहीं और भेज दिया, ऐसे। तो जब एक रिवर को हम लोग अलग अलग पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं सो दैट वो हर एक फार्म तक पहुंच पाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैनाल सिस्टम। और रिवर लिफ्ट सिस्टम कुछ नहीं होता है, रिवर में से पानी भरो, उठाओ और पौधों में डालो, भरो उठाओ और पौधों में। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। क्रॉपिंग पैटर्न से, क्रॉपिंग पैटर्न कौन से होते हैं, तीन। मिक्स क्रॉपिंग मतलब कि अगर मैंने एक सीड, ये कंटेनर लिया, ठीक है ना, अब इस कंटेनर में क्या करा, एक दो सीड्स डाल दिए, दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो जब इन दो सीड्स को मैं क्या करूंगी, मिक्स कर दूंगी। कैसे, ये कंटेनर है, इसमें मैंने राइस डाल दिया और राइस के साथ एक क्रॉप डाल दिया, कौन सा, हेक्स। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब ये मेरा फार्म है ना, यहाँ से उड़ाए, इधर डाल दी, रैंडमली कहीं पे भी क्या कर दिया मैंने, क्रॉप्स डाल दिए। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। तो जब हम लोग एक पीस ऑफ लैंड पे दो या दो से ज्यादा क्रॉप उगाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स क्रॉप। क्या कहते हैं, बोलो, मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग एक होता है। मल्टीपल क्रॉपिंग के टाइप्स होते हैं, एक होता है क्या, मतलब एक ही लैंड पर अलग अलग चीज उगाना, हाँ ठीक है ना। मिक्स क्रॉपिंग जैसे हम लोग किसकी करते हैं,
कॉटन और ग्राउंडनट की एक साथ करते हैं, मेज और उड़द की करते हैं, राइस को ज्वार और मेज के साथ उगाते हैं, कॉटन को ज्वार के साथ उगाते हैं, वीट को मस्टर्ड के साथ उगाते हैं। अरे बात समझ में, ठीक है ना। जब हम लोग मिक्स क्रॉपिंग ध्यान करते हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों क्रॉप्स के मैच्योरिटी पीरियड्स क्या रहे, अलग अलग रहे। अगर मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग रहेंगे तो एक कटेगा, यानी कि एक क्रॉप में कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो उस टाइम तक दूसरा क्रॉप खराब नहीं होगा, उसमें करेक्टिव एक्शन लेके जा सकते, है ना। मिक्स क्रॉपिंग से टाइम भी बचता है, लेबर भी बचता है, सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, यूज हो जाते हैं, और एक न्यूट्रिएंट कभी खत्म नहीं होता। समझ रहे हो कि एक ही न्यूट्रिएंट बार बार खत्म हो रहा है। एक प्लांट की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग रहेगी और दूसरे प्लांट की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, हो सकता है एक प्लांट द्वारा दिया गया वेस्ट मटीरियल वो दूसरे प्लांट के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। आ रही बात समझ में। रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर कम हो जाता है। रिस्क ऑफ टोटल मतलब अगर एक क्रॉप खराब हो भी गया तो देयर इज अ चांस कि दूसरा क्रॉप बच जाए तो फार्मर को पूरा नुकसान नहीं होगा, यील्ड बढ़ जाती, ठीक है ना। अगर आप एक लेग्यूम क्रॉप को सीरियल्स के साथ उगाओगे तो लेग्यूम रहता है वो नाइट्रोजन क्या करता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, बहुत सारा नाइट्रोजन ले लेता है कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, और उसको खुद को इतना नाइट्रोजन लगता नहीं है तो वो किसको देता है, सीरियल क्रॉप को दे देता है, क्लियर। इससे पेस्ट डैमेज भी मिनिमाइज होता है। पेस्ट डैमेज मतलब क्या, अगर चूहा है तो अगर वो किसी एक क्रॉप को खाएगा तो जाहिर सी बात है वो दूसरे वाले को नहीं खाएगा, क्योंकि हर क्रॉप को इन्फेक्ट करने वाले या अटैक करने वाले पेस्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इंटरक्रॉपिंग में यही काम होता है, कैसे, थोड़ा सा सिस्टमैटिकली। एक क्रॉप हम लोगों ने कैसे उगाया, एक रो में उगाया, और दूसरा क्रॉप हम लोगों ने कहाँ उगाया, दूसरी रो में, जैसे कि सोयाबीन उधर उगाया ये वाली रो में, है ना, और मेज जो है ये इधर, फिर उसकी अगली रो में फिर से कौन, सोयाबीन, फिर उसकी अगली रो में क्या, मेज। तो जब ये काम बहुत सिस्टमैटिकली होता है तो उसमें हार्वेस्टिंग भी इजी हो जाता है, क्रॉप की देखरेख भी क्या हो जाती है, इजी हो जाती है, और बाकी जितने भी एडवांटेजेस हैं इसके मिक्स क्रॉपिंग के वो तो खैर अपनी जगह होते ही हैं। क्लियर है, बोलो। फिर पेस्ट तो भी अटैक कर सकते हैं अगर वो ऐसे स्टेट में, नहीं पर वो ऐसा होता है ना कि पेस्ट फैलता जल्दी है। अगर ये समझो ये मेज है और ये भी मेज है और बीच में सोयाबीन है, तो वो सोयाबीन से अगली रो सोयाबीन तक थोड़ा लेट फैलेगा क्योंकि बीच में कौन आ गया, मेज। अगर सारे सोयाबीन होते तो वो फटफट फैल जाता, ठीक है ना। जब सेम क्रॉप्स उगते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप उगते अल्टरनेटिवली इन अ प्री प्लांट सक्सेशन, है ना, प्री प्लांट सक्सेशन, यानी कि अभी मेरा क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट ही हुआ है और मैंने सोच लिया कि पहले 3 महीने क्या उगाऊंगी, गेहूं उगाऊंगी, अगले 3 महीने क्या उगाऊंगी, चावल उगाऊंगी, उसके अगले 3 महीने क्या उगाऊंगी, ग्राउंडनट उगाऊंगी, और 3 महीने फील क्या करूंगी, खाली छोड़ूंगी। तो जब मैं पहले से ही प्री प्लांट सक्सेशन में क्रॉप ग्रो करती हूँ तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो इससे भी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, क्रॉप क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। बहुत सारे प्लांट्स हम लोग इस हिसाब से उगाते हैं क्या, कि वो चीजें क्या हो जाए, रिसाइकल हो जाए और न्यूट्रिएंट्स को भी रिसाइकल कर दे। इज इट